और ये सब अभी कुछ नहीं है, अभी मैं पूरी तरह स्वस्थ, बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हूँ गुरु जी, सब कुछ खत्म हो गया, नष्ट हो गया गंदगी। हाँ बेटा, प्रणाम गुरु जी, खुश रहो बेटा, कोटी कोटी नमन, खूब खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी वन डे हवन पूरी प्रक्रिया कर पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस लायक बनाने के लिए, थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू बेटा। देखिए आपके तमाम एक कष्ट थे, ये भी सब बेटा नष्ट हुए, और स्मृतियां भी जड़ से नष्ट हो गई, जो रोगों की जड़ होती है। ओसीडी की स्मृतियां थी, गंदा दिखना, गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत चिढ़ होना, अकेले रहने का मन करना, आपस में बात करने का मन ना करना, डिप्रेशन की स्मृतियां थी, नकारात्मक विचार आना, बाइपोलर डिसऑर्डर की स्मृतियां थी, यूट्रस में सिस्ट बन रहे थे, फाइब्रॉइड्स बन रहे थे, रक्त दूषित हो रहा था, सर्वाइकल पेन होना, ओवेरियन इन्फेक्शन था, कमर में दर्द और जकड़न होना, मस्तिष्क में सूजन, श्वास नली में सूजन, पैर में कमजोरी आ रही थी, मासिक अनियमित रहना, अकेले रखने वाली स्मृतियां थी, लीवर में सूजन था, गॉल ब्लैडर में घाव बन रहे थे, एसिडिटी होना, एंजाइटी होना, कंफ्यूज रहना, संबंध खराब कराने वाली स्मृतियां थी, आत्मविश्वास में कमी रहना, कैंसर की स्मृतियां थी, रेक्टम में, ब्रेस्ट में, हड्डियों में, श्वास नली में और यूट्रस में। जी ये सब थे गुरु जी, ये सब। और ये सब अभी कुछ नहीं है, अभी मैं पूरी तरह स्वस्थ, बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हूँ गुरु सब जी, सब कुछ खत्म हो गया, नष्ट हो गया गंदगी। यूट्रस, यूट्रस में ओवरी में जो कष्ट आ रहे थे वो भी सब चले गए, वो भी शेष ही। जी गुरु जी, जी खुश रहो बेटा, मैं दिल्ली से आई हूँ गुरु जी। डीएनए में दो लोग हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। शादी को कितने वर्ष हुए? अभी 1.5 साल ही हुआ है गुरु जी। अब अपने पति देव को आंख बंद करके देखिए, अब कैसे प्रतीत हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, कैसे हैं भाव, कैसे आ रहे हैं? कहीं कोई खराब भाव तो नहीं आ रहे? नहीं गुरुजी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बेटा, सब ठीक, अब बढ़िया है जी। महावन जरूर कर लेना बेटा, ठीक है जी। तो दरबार गुरुजी, आपसे तो कुछ कुछ क्वेश्चंस है गुरुजी। हाँ, बोलिए। हम अभी यूके से आए हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे थे दोनों, अच्छे से सब हो रहा था, सडनली कॉल आता है कि आपको इंडिया वापिस जाना है। गुरुजी मैं वापस जाना चाहती हूँ, कम से कम 3 से 4 साल के लिए, क्योंकि वहाँ पे अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है, इंडिया में इतना अच्छा जॉब्स नहीं है, तो वापस आने के बाद एक अच्छी स्टेबिलिटी हो जाएगी करियर में। मैं वापस जाना चाहती हूँ, कम से कम 3 से 4 साल के लिए, दोनों गुरुजी। अच्छा, हम बहुत मेहनत करते हैं। बिल्कुल आप जा सकते हैं, बाबा से प्रेयर करिएगा, संकल्प कर लीजिएगा, बिल्कुल आप जा सकते हैं जी। थैंक यू सो मच गुरुजी, फ्यूचर भी आपका अच्छा है वहाँ। थैंक यू सो मच। एक मन में इच्छा है, वो आपके सामने हो जाएगा, चाहती हूँ, होगा, बता दिया हमने आपको। थैंक यू, अगला स्टेप वही है। ओह थैंक यू, खुश रहो, खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो।